हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, क्लास सिक्स साइंस का ये चैप्टर है आपका, और इंग्लिश मीडियम में इसको हम डिस्कस करेंगे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं और उसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसको हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? सभी बच्चे जो है जानते हैं कि आज आपने क्या खाया। सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो फूड हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, या आपको ये भी जानने की कोशिश करनी है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? तो क्या आपने कल और आज दोनों ही समय एक ही टाइप का फूड खाया था? तो ऐसा तो नहीं होता, हम जो है डिफरेंट डिफरेंट फूड वो खाते हैं। We all eat different kinds of food at different time, isn't it? तो हम different जो है different food अलग अलग समय पे अलग अलग food जो है वो खाते हैं। Next देखिए फूड वेराइटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कौन सी जो अलग अलग तरह की फूड वेराइटी हैं। एक्टिविटी करेंगे, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि ड्यूरिंग अ डे जो है एक दिन में उसने कौन कौन से फूड जो है वो खाए। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और आप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके फ्रेंड जो है अलग अलग स्टेट में रहते हैं इंडिया के, तो उनसे भी आप इसको पूछ सकते हो। और आप इसमें क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि हर एक जो डिफरेंट स्टेट है उसमें क्या होगा, डिफरेंट फूड होगा। जैसे गुजरात है तो उसका खाना जो है डिफरेंट है, वहाँ पर फूड की वेराइटी अलग है, पंजाब में फूड की वेराइटी अलग है। तो अलग अलग स्टेट के में अगर आपके फ्रेंड हैं उनसे बात करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी मिलेंगी। नाउ लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो आपको इस तरह से एक टेबल रेडी करनी है और आपको देखना है कि जो है आपने क्या खाया। तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसने क्या खाया एक दिन में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट फूड दिखाया गया है अलग अलग, ठीक है। ये फिश है, ये भी जो है फूड आइटम है। नेक्स्ट देखिए There seems to be so much variety in the food that we eat. तो हम जो है बहुत सारी variety होती हैं हमारे food में। What are these food items made of? ये जो food हैं ये जो हैं अलग अलग items जो बने हुए हैं, ठीक है। हर एक food में different ingredients होते हैं। Think about rice cooked at home. अब आपको सोचना है राइस के बारे में कि जो घर में हम राइस बनाते हैं। वी टेक रॉ राइस, हम कैसे बनाते हैं? हम रॉ राइस यानी जो कच्चे राइस होते हैं उनको लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर, हम क्या करते हैं उसको पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट टू मटीरियल और इन्ग्रीडियंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। यानी कितने इन्ग्रीडियंट चाहिए हमें? टू इन्ग्रीडियंट। एक तो क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए जो है राइस, रॉ राइस चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए हमें, वाटर चाहिए। तो ये क्या हो गए, इन्ग्रीडियंट। यानी एक भी जो डिश है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो जो आइटम होते हैं उनको हम इन्ग्रीडियंट्स कहते हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इन्ग्रीडियंट। अब हमें इसमें को बनाने के लिए तो केवल दो ही चाहिए थे, लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम भी होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट एंड स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। लाइक वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, उसमें सॉल्ट चाहिए, अलग अलग तरह के स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं बच्चों? स्पाइसेस यानी मसाले। ऑयल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे एक्टिविटी टू, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब आपने जो टेबल 1.1 में यहाँ पे फूड आइटम लिखे हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वॉट इन्ग्रीडियंट आर यूज टू प्रिपेयर दीज आइटम बाई डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। आपको क्या करना है, जो भी आपने फूड आइटम यहाँ पे लिखे हैं उसमें आपको देखना है कि उसको बनाने के लिए कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए।
ठीक है, एड सम। अब आपको ये टेबल गिवन है, टेबल 1.2, जिसमें आपको दो एग्जांपल दिए गए हैं, आप और भी इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हो। इसमें देखिए फूड आइटम दिया गया है, फूड आइटम जैसे रोटी। अब रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट हो जाएंगे वो। रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, और उसको जो है गीला करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये क्या हो गए, ये इंग्रेडिएंट हो गए। इसके अलावा देखिए दाल है, दाल में पल्सेस हो गई, ठीक है। दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसेस। तो ये क्या हो गए, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। देखिए नाउ व्हाट डू वी फाइंड, हमने जो है यहाँ पे क्या देखा, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। क्या आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या हमने जो इंग्रेडिएंट्स देखे हैं क्या वो दो फूड आइटम में सेम है, हमने तो नहीं देखा सेम। अगर आप यहाँ पे कोई तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हो, मान लीजिए खीर का एग्जाम्पल लिया, तो खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, है ना, और शुगर चाहिए, तब भी हमारा कोई भी इंग्रेडिएंट यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अलग अलग आइटम बनाने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। नाउ सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं। 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। सो फूड मटेरियल एंड सोर्सेस में क्या है, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस। वेयर डू दे कम फ्रॉम, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट, जो हमने राइस लिया व्हीट लिया उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स भी प्लांट है। यू मे हैव सीन पैडी, पैडी क्या होता है कि जो राइस जिससे निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैडी। और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, आपने जो है इस तरह प्लांट्स देखे होंगे, पैडी या व्हीट के प्लांट्स इस तरह से लगे हुए होते हैं रोज में, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड विच गिव अस दीज ग्रेन्स, और इनसे हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, व्हीट ग्रेन मिलता है, राइस मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क है, एग है, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ हमें किससे मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे मिल्क मिलेगा, एग है, मीट है, एटसेट्रा। नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी 3। लेट्स टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब आपको क्या करना है, अब आपको फूड आइटम जो है जो हमने पहले लिए हैं, ठीक है, फूड आइटम लिस्टेड जो हमने पहले लिस्ट बनाई है, उनमें हमें देखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से मिले हैं। कुछ हमें हो सकता है प्लांट से मिले होंगे, कुछ हमें एनिमल से मिले होंगे। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन द टेबल 1.3 एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड एड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको 1.3 जो है टेबल गिवन है, अब हम पहले देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कुछ प्लांट सोर्सेज के डायग्राम दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, एनिमल सोर्सेज लाइक एग, ठीक है, ये एनिमल सोर्स हो जाएगा। ये है टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, फूड आइटम है इडली, इसका इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है, इंग्रेडिएंट इसका राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइस है, उड़द दाल है, ये इनका सोर्सेस क्या है, इनका सोर्सेस है प्लांट। उसके अलावा चिकन करी, चिकन करी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, चिकन है, स्पाइसेस है, ऑयल, वाटर। तो यहाँ पर चिकन हमें किससे मिला, एनिमल से। स्पाइसेस जो है वो किससे मिलते हैं, स्पाइसेस हमें प्लांट से। ऑयल भी प्लांट से मिलता है, एनिमल से भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट खीर है, खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क किससे मिलेगा, एनिमल से, राइस प्लांट से, ठीक है। सो इस तरह से हम इनको जो है देख सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेगा। What do we conclude from activity 3? So plants are the sources of food ingredients like grain, ठीक है, cereals हैं, vegetable, fruit, cereals क्या होते हैं, जो भी grains होते हैं like rice है, wheat है, ये सब क्या हैं, these are the cereals. So vegetables मिलते हैं, fruits मिलते हैं, animals provide us milk है, meat product, egg हमें किससे मिलते हैं, animals से मिलते हैं। cow, goat, buffalo are some common animal which give us milk.
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर क्रीम चीज एंड कर्ड दे आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये हमें कहाँ मिलते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनका यूज किया जाता है. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. आपको सोचना है क्या कोई दूसरे एनिमल है इनके अलावा जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं. नाउ 1.3 इज प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. सो प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड. जो सबसे मेन सोर्स हमारे फूड का है वो क्या है? प्लांट्स हैं. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? ठीक है, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट्स. तो देखिए जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हम खाने के लिए यूज़ करते हैं. किसी के जैसे अगर हम स्पिनच की बात करें उसके लीफ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी का फ्रूट हम यूज़ करते हैं, किसी का स्टेम का यूज़ करते हैं, किसी के रूट का यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हम यूज़ करते हैं एंड इवन फ्लावर्स ऑल्सो. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राइड. तो आपने क्या कभी जो है पम्पकिन के जो फ्लावर हैं राइस पेस्ट में जो है डिप करके उनको फ्राई करके जो है खाया है? तो आपको ये ट्राई करने के लिए बोला गया है. यहाँ पर बच्चों आपको प्लांट दिखाया गया है. प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं लाइक ये फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट है, ठीक है, ये स्टेम है, दीज आर लीफ एंड दिस वन इज़ बर्ड एंड दिस वन इज़ इंटरनोड. ठीक है, ये क्या है? जहाँ से लीफ निकल रही है ये नोड है और दो जो नोड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? वो इंटरनोड. ठीक है, देखिए ये नोड, ये नोड, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? दैट विल बी द इंटरनोड. सो ये क्या है? ये कंप्लीट शूट सिस्टम है और नीचे ये क्या है सारा? ये जो है रूट सिस्टम है. ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी रूट और ये इसके जो दोनों तरफ निकलेंगी ये क्या है? दीज आर द सेकेंडरी रूट. कंप्लीट बोलते हैं इसको रूट सिस्टम. नाउ सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट. अब जो कुछ प्लांट्स होते हैं उसके दो या दो से ज़्यादा जो है पार्ट क्या होते हैं? एडिबल होते हैं. एडिबल का मतलब क्या होता है? ईटेबल, यानी जिनको हम खा सकते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल. तो जो मस्टर्ड प्लांट होता है, सरसों का जो पौधा होता है ना मस्टर्ड प्लांट, उसका ऑयल हम यूज़ करते हैं, साथ ही जो लीव्स हैं उनकी हम वेजिटेबल में एज अ वेजिटेबल उनको यूज़ करते हैं. सो प्लांट का एक से ज़्यादा पार्ट भी जो है खाया जा सकता है. कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड. तो जो बनाना प्लांट है उसको भी हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं. उसका फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लीव्स यूज़ करते हैं. थिंक्स ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड. तो आपको इसके बारे में सोचना है. नाउ टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड की जो प्लांट पार्ट हैं वो एज फूड जो है कैसे यूज किए जाते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है लाइक फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स. तो देखिए ब्रिंजल करी. अब ब्रिंजल करी जो फूड आइटम है उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं? ब्रिंजल है, ठीक है, चिली एज स्पाइस चिली, और उसके अलावा ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड सोयाबीन एनी अदर प्लांट. तो यहाँ पर प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट. तो ब्रिंजल हमें किससे मिला? ब्रिंजल हमें फ्रूट, ब्रिंजल जो है कौन से प्लांट पार्ट है? ब्रिंजल वो फ्रूट है. चिली जो है वो भी क्या है? एज अ स्पाइस जिसको हम यूज़ करते हैं वो भी फ्रूट है. उसके अलावा हम ऑयल का यूज़ करते हैं, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, तो वो भी क्या है? वो भी सीड है. इसके अलावा आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो लाइक फूड आइटम. अगर हम देखें तो आपको जो है यहाँ पर मेन फूड आइटम विद प्लांट एज अ मेजर सोर्स, जिसमें प्लांट जो है वो एज अ मेजर सोर्स हो वो आपको यहाँ पर बताना है. जैसे देखिए खीर है. खीर में क्या है? खीर में हम राइस का यूज़ करते हैं. अब राइस जो है, राइस क्या है? राइस वो सीड है, ठीक है, राइस मेन है. राइस क्या है? राइस जो है वो सीड है. प्लांट पार्ट सीड होगा. इस तरह आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो. नेक्स्ट देखिए, डू यू नो डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल. सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस. तो आपको जो है कोई भी प्लांट जो भी आपको दिखता है उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वो सारे कैसे हों, एडिबल हों, यानी वो सारे के सारे हमारे खाने लायक नहीं हो सकते. नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 4 दिया गया है. From all the food item, have you listed in table 1.3? Choose those items whose ingredient are obtained from plants. Which part of a plant? तो हमने देखा टेबल में
ठीक है, कि कौन सा पार्ट जो है वो हमें प्लांट के कौन से जो है पार्ट से मिलता है, जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। नाउ एक्टिविटी 5। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेक सम ड्राई सीड्स, आपको क्या करना है, ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग और चना, ठीक है, मूंग या चने के ड्राई सीड्स लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी जो है सीड्स की कंटेनर में लेनी है और उसको वाटर से फिल कर देना है और उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, आपको वाटर को कम्प्लीटली निकाल देना है। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो सीड्स हैं उनको वेसल में निकाल लेना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड, और उसको गीले कपड़े में उसको रैप करके उसको साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, तो आप क्या देखेंगे नेक्स्ट डे जब आप उसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से उसमें आपको क्या दिखाई देंगी, ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो छोटी छोटी जो है उसमें आउटग्रोथ जो है वाइट सी निकल के आने लगेंगी, ये मूंग सीड्स हैं। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा आपको दिखता है तो यानी वो सीड्स जो है वो क्या हो गए हैं, वो स्प्राउटेड हो गए हैं, यानी वो क्या हो गए हैं, वो एक तरह से उनमें जो है वो यहाँ पर जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। और इस तरह का आपने देखा भी होगा, आप जो है इसको खाते भी होंगे, तो ये क्या है, दीज आर द स्प्राउटेड सीड्स, जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर आपको ऐसे दिखाई नहीं देती हैं outgrowth इसके अंदर sprouted नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनको एक बार फिर से wash कर लीजिए, फिर से उसको जो है गीला करके पानी निकाल के और ऐसे ही wrap करके अगले दिन के लिए आपको उसको छोड़ देना है। Next देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, ये चना है, ग्राम सीड्स हैं, और यहाँ पे ये भी कैसे क्या निकले हुए हैं, स्प्राउट्स निकले हुए हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप घर पे भी करके देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, नेक्स्ट डे आप देखेंगे जब आपको दोबारा करते हो तो और भी अच्छी तरह से उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, अब आप इनको खा सकते हो, बहुत हेल्दी डाइट है ये। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, इनको बॉयल करके भी खाया जा सकता है। एड सम स्पाइसिस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, इसमें स्पाइसिस ऐड करके आप खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, आप जानते हैं बच्चों कि जो हनी है, शहद है, वो हमें कहाँ से मिलता है, एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बिहेव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, तो आपने इस तरह से जो है हनी बीज जो है हनी कॉम देखा होगा, यहाँ पे हनी बीज को देखा होगा कि किस तरह से जो है वो शहद इकट्ठा करती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस, बीज क्या करती हैं, वो नेक्टर यानी स्वीट जूस को इकट्ठा करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स इकट्ठा करती हैं, कन्वर्ट इंटू हनी, और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और जो हाइव होता है यानी छत्ता जो होता है, हाइव क्या होता है, छत्ता, उसके अंदर उसको कलेक्ट करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, तो जो ये जो फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है वो जो है ईयर के कुछ ही जो टाइम होता है उसी में मिलता है। सो बीज क्या करती हैं, उस नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं। बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल के लिए उसको जो है वो हनी की फॉर्म में स्टोर कर लेती हैं। वेन वी फाइंड सच ए बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, ओके, सो हम इस तरह का बिहेव देखते हैं, सो हम उनको जो है वो क्या करते हैं, हम उसे हनी जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, कैसे, बिहेव से, यानी जो छत्ता है। नेक्स्ट है 1.5, व्हाट टू एनिमल ईट, जो एनिमल है वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, आपके पास जरूर कोई ना कोई कैटल होगा, पैट होगा, जिसकी आप केयर करते हो। इट मे बी अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कुछ भी हो सकता है, उनको क्या कहते हैं, हम पैट एनिमल कहते हैं। नाउ यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास पैट है वो क्या खाता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स क्या खाते होंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ स्क्वैरल, आपने कभी जो स्क्वैरल है, स्क्वैरल यानी गिलहरी, उसको देखा है कुछ खाते हुए। पीजन है, लिजार्ड, लिजार्ड यानी जो छिपकली होती है, एंड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, तो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या खाते होंगे। अब हम करेंगे एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5।
For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है 1.5. आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है. यहाँ पर नेम ऑफ द एनिमल दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है फूड द एनिमल ईट, क्या क्या एनिमल खाते हैं. जैसे एग्जांपल दिया गया है बफेलो. बफेलो जो है वो क्या खाती है, ग्रास खाती है और ऑयल केक, जैसे जो सरसों का तेल निकलता है तो उसके बाद तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑयल केक कहते हैं, जो एनिमल्स के खाने में यूज किया जाता है. ही ग्रेन्स. कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स है, मिल्क है, ठीक है. उसके अलावा देखिए रैट जो है, रैट क्या खाता है, रैट यहाँ पर आप लिख सकते हो चपाती, रैट चपाती खा सकता है, ठीक है. उसके अलावा रैट जो है स्मॉल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको रैट खा सकता है. उसके अलावा देखिए लायन, लायन क्या खाता है, लायन जो है डियर, डियर आप लिख सकते हैं, डियर है, गोट है, ओके. नेक्स्ट देखिए टाइगर, टाइगर से मीट खाता है टाइगर, ओके आप लिख सकते हैं बच्चा. नेक्स्ट देखिए स्पाइडर, स्पाइडर क्या खाती है, स्पाइडर जो है वो स्मॉल इंसेक्ट्स उनको खा लेती है, स्मॉल इंसेक्ट्स. उसके अलावा जो जो हाउस लिजार्ड है, हाउस लिजार्ड है वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है वो स्पाइडर खा सकती है और सिंपल स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको हाउस लिजार्ड भी खा सकती है. काऊ जो है, काऊ क्या खाएगी, काऊ ग्रास खाएगी. नेक्स्ट ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग जो है वो हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, यानी वो मीट भी खा सकते हैं. इसके अलावा वो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं उनको भी खाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट देखिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, इसको जो है इकट्ठा करते हैं, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, तो आप लिख सकते हैं नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट देखिए क्रो, क्रो जो है जो भी डेड एनिमल्स हैं उनको खा सकते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स हैं. नेक्स्ट देखिए और भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो. तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट कर लेनी है. बहुत इजी है ये, इंटरेस्टिंग है. अब हम आगे देखते हैं. अब हमने ये टेबल की, अब देखिए एक्टिविटी 7 दी गई है. हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5. आपको फिर से टेबल 1.5 को देखना है. एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज, आपको उनको ऑब्जर्व करना है. प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप वन. आपको ग्रुप वन में कौन से रखने हैं बच्चों, ग्रुप वन में रखने हैं जो जिन्होंने केवल जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, यानी उनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है. उनको क्या कहेंगे हम, हर्बीवोर्स कहेंगे, यानी जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे केवल उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स, ठीक है. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं, उनको हम रखेंगे ग्रुप टू में. और ग्रुप टू क्या होगा, उनको हम कहेंगे कार्निवोर्स. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स अब आपने देखे, जैसे ह्यूमन बींग है, वो क्या है, वो मीट भी खाता है, वो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स. तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स भी हैं कार्निवोर्स भी हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, ठीक है. उनको क्या कहेंगे हम, ओमनीवोर्स. नाउ प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर्ड दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम. अब आपको इसी तरह से हर्बीवोर्स में जो आपने लिखे कार्निवोर्स कौन से हैं, ओमनीवोर्स कौन से हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं इसमें से, ठीक है, या अपनी अपनी तरफ से और भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो. नाउ पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग. अब आप बताइए कि आप ह्यूमन बींग को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे. हम इसको कैटेगरी 3 में रखेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बींग है वो जो है ओमनीवोर है. नाउ वी नो दैट देयर आर मैनी मैनी अमंगस्ट अस हु डोंट गेट सफिशियंट फूड. अब हो सकता है बच्चों की सबको जो है सफिशियंट फूड नहीं मिलता, ठीक है. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. हमें कुछ ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री में ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन हो और सबको फूड मिल जाए.
that will not be enough. We will need to find some ways to ensure that food is made easily available to each one of us. हमें कुछ ऐसे तरीके जो है find करने चाहिए जिससे कि हर एक को food जो है क्या हो जाए, सबको food खाने के लिए available हो. हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम खाएं उतना ही हम अपनी प्लेट में लें ताकि फूड वेस्ट ना हो. तो ये बातें ध्यान रखनी है. ये कीवर्ड्स दिए गए हैं और ये कीवर्ड्स आप जो है अच्छे से याद भी कर लेंगे. इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एडिबल जो खाने लायक होते हैं, नेक्टर फ्लावर का जो जूस होता है, स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, हर्बीवोर क्या है, कार्निवोर, ओमनीवोर, तो ये जो है हम सब कर चुके हैं. अब हम इसकी समरी देखेंगे. समरी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है. स्टार्टिंग में ही हमने देखा अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड होगा. नेक्स्ट देखिए, द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमें जो है मेन सोर्स क्या है हमारे, प्लांट्स और एनिमल्स हैं. एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. तो जो केवल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं. एंड एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. जो केवल एनिमल्स जो हैं, जो एनिमल्स केवल मीट खाते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको कार्निवोर कहते हैं. एंड एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं. अब बच्चों हम इसके करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. तो क्या जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको एक ही टाइप का फूड चाहिए. सो आंसर लिखेंगे, नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट फूड चाहिए, डिपेंड करता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे एंड इंटरनल ऑर्गन्स पे. नाउ डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ फूड दे ईट एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री बेसिक कैटेगरीज. हर्बीवोर्स जो कि प्लांट प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, एग्जाम्पल लिख देंगे काउ, गोट, एलिफेंट, डियर एट्सेट्रा. एंड कार्निवोर लाइक एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स एट्सेट्रा. एंड नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स, एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल है क्रो, कैट, डॉग एट्सेट्रा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. तो आपको फाइव प्लांट्स और उनके पार्ट्स जो है लिखने हैं. सो देखिए एप्पल आप लिख देंगे, एप्पल क्या है, फ्रूट है. मैंगो आल्सो फ्रूट. पटैटो, पटैटो स्टेम है, ठीक है. पटैटो क्या है बच्चों, पटैटो स्टेम है. कैरेट रूट है. स्पिनच लीफ है. वीट जो है वो सीड है. एंड कॉलीफ्लावर वो फ्लावर है. तो ये जो है इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि आपका मैच है, आपको मैच करना है. मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी. सो कॉलम ए और कॉलम बी देखिए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब क्या है, दीज आर द एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है. स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये क्या है, दीज आर द वेजिटेबल्स, तो इससे मैच करेंगे. लायन एंड टाइगर, ये क्या है, लायन एंड टाइगर्स दे ईट अदर एनिमल्स, तो ये कार्निवोर्स हैं. एंड हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट. तो ये जो है आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. सो टाइगर इज अ, टाइगर क्या है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. तो टाइगर क्या है, टाइगर कार्निवोर है, ठीक है, जो कि केवल मीट खाता है. बी दिया गया है, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड. तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज हर्बीवोर. नेक्स्ट देखिए, पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट. पैरट जो है वो क्या खाता है, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, प्लांट प्रोडक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउज, बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट. सो हम क्या पीते हैं, जो हमें काउ, बफेलो या गोट से मिलता है, द मिल्क दैट वी ड्रिंक, ठीक है, द मिल्क दैट वी ड्रिंक. नेक्स्ट ई पार्ट, वी गेट शुगर फ्रॉम. शुगर हमें कहाँ से मिलती है, शुगर हमें शुगर केन से मिलती है. सो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन.
सो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर साइंस का, एंड आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।